दो मिनट के लिए आप लोग रुके, हमारे बीच में पूर्व सांसद अशोक तंवर जी आज अपने घर में वापस आ गए हैं, आज उनकी घर वापसी हो रही है। राहुल गांधी जी उनका कांग्रेस परिवार के अंदर स्वागत कर रहे हैं और आज का ऐतिहासिक दिन महेंद्रगढ़ की ऐतिहासिक धरती इस चीज की गवाह बनी है और ऐतिहासिक जीत आज से आपके यहां से हरियाणा के अंदर होगी। कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। और मैं दो लाइनें राहुल जी के लिए कहना चाहूंगा कि दुआ करो सलामत रहे ये रोशनी हमारी, हजार आंधियों पर है ये एक तूफान भारी। राहुल गांधी हजार आंधियों पे भारी। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम सब। हमारे प्यारे कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के शेर और शेरनियां जो यहां दिख रही हैं, और प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मूड आपका कैसा है? मूड ठीक है? कांग्रेस की सरकार आ रही है, बीजेपी जा रही है? ये जो लड़ाई चल रही है, ये विचारधारा की लड़ाई है। चुनाव हो रहे हैं, अभी लोकसभा का एक बड़ा चुनाव हुआ, बड़ा युद्ध हुआ, और अभी ये छोटा हरियाणा में उसी विचारधारा का एक युद्ध हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान को संविधान से चलाना चाहिए। हम कहते हैं कि आजादी की लड़ाई का फल ये अंबेडकर जी का, गांधी जी का संविधान है, ये सबका है, और इसमें सबको फायदा होता है। जब हम देश के बारे में सोचते हैं, विकास के बारे में सोचते हैं, प्रगति के बारे में, संस्थाओं के बारे में, सेना के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में, यहां से शुरू करते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस जो संविधान को मानते नहीं है, वो इसको खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। देखिए, ऐसे भाषण में वो आपको कभी यह बात बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि देश को संविधान के साथ, देश का संविधान के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। तो सामने आके नहीं कह सकते हैं कि हम संविधान को रद्द करना चाहते हैं, मगर जो भी वो करते हैं, संविधान को कमजोर करने के लिए करते हैं। आप देखिए, मैं आपको दो तीन उदाहरण देता हूं। जब कांग्रेस की सरकार होती है, हम मीडिया पर दबाव नहीं डालते, हम चाहते हैं कि मीडिया इंडिपेंडेंट रहे और मीडिया सच्चाई बोले। बीजेपी मीडिया पर दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, मीडिया के लोगों को डराते हैं, संविधान पर आक्रमण करते हैं। संस्थाओं को देखिए, कांग्रेस की सरकार होती है, इलेक्शन कमीशन, एजेंसीज, इन सब में हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये देश की एजेंसीज हों, देश की संस्थाएं हों, किसी एक पार्टी की संस्थाएं, किसी एक व्यक्ति की संस्थाएं ना हो। और जहां भी आप देखोगे, एजेंसीज में आरएसएस अपने लोग डालते हैं, बीजेपी अपने लोग डालते हैं। यहां पुनिया जी खड़े हुए हैं, जिंदगी भर इन्होंने मेहनत की,
और आपने देखा हमारे पहलवानों के साथ बीजेपी ने क्या किया। देश के सामने बिना डरे उनका एक मेंबर बलात्कार कर रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है, उनको कुछ लेना देना नहीं। वो भी संविधान पर आक्रमण है, क्योंकि संविधान कहता है कि इस देश में हर महिला की रक्षा होनी चाहिए। और जब नरेंद्र मोदी जी चुप रहते हैं, जब मणिपुर जलता है और नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कहते, 1.5 साल हो गए वहां तक नहीं, वहां गए नहीं, तब नरेंद्र मोदी संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। पहले यहां विकास होता था, प्रगति होती थी, रोजगार था। आज पहले नंबर पर हिंदुस्तान के स्टेट्स में आप पहले नंबर पे पहुंच गए हो। किस चीज में? बेरोजगारी में, पहले नंबर पे बेरोजगारी में और पहले नंबर पर क्राइम में। यह है हिंदुस्तान, यह है हरियाणा की शान। पहले आप देश को रास्ता दिखाते थे। मुझे याद है लोग मेरे पास आते थे, कहते थे हरियाणा में जो प्रगति हो रही है हम वो ही चाहते हैं। आज कोई नहीं कहता, आज कोई नहीं कहता। आज सारे के सारे लोग तेलंगाना कर्नाटका की बात करते हैं। यह बदलना है।